Dear students, 12th standard, GSEB, that's Gujarat State Education Board, Gujarat Secondary Education Board, के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, खास करके दो दिन में जो आपके पास अपडेट आया कि सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आप सबके पास अपडेट्स होंगे। अब उसमें कई सारे कंफ्यूजन्स फैलाए जा रहे हैं, ये टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है। सो टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट एंड थॉरो क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट, मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको जानकारी देने जा रहा हूं कि क्या क्या आपके सिलेबस में रहेगा और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए। समय गंवाए बगैर आइए सीधा हमारे टॉपिक पे फोकस करें। यह है आपके सामने बोर्ड की अपडेटेड सिलेबस फॉर द ईयर 2021, अपडेटेड सिलेबस ऑफ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज कोड 006। याद रखिएगा, ये हमारे सब्जेक्ट का कोड है 006 फॉर क्लास 12 जीएसईबी। अब टेक्सुअल पार्ट में क्या बदलाव हुए, फ्लेमिंगो में आपके 5 यूनिट रहे, 3 यूनिट आपके रिमूव कर दिए। द लास्ट लेसन, लॉस स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, क्या रिमूव कर दिया गया, यूनिट 6, 7, 8, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ये 3 यूनिट हटा दिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी जरूरी है, इसीलिए आज के लेक्चर में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बहुत कॉशियसली इसको सुनेंगे, आज के लेक्चर को बहुत कॉशियसली सुनना मिले। नेक्स्ट, विस्टास में 4 यूनिट रखे गए और 4 यूनिट हटा दिए। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी, ये यूनिट रखे गए। शुड विजर हिट द मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट इवन ट्राइज इन ओ लेवल एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये यूनिट हटा दिए। मतलब 4 यूनिट रखे गए, 4 यूनिट हटा दिए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आते हैं ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पर बेटा। अब ग्रामर में क्या हुआ और क्या नहीं रहा, आप सबको बता दूं कि ग्रामर के टॉपिक्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये 5 टॉपिक रहेंगे। इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये 5 टॉपिक रहेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रहेगा, चेंज द वॉइस, क्वेश्चन टैग, यूज टू रिमूव। तो क्या हट गया आप सबका सबसे बड़ा खौफ, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हट गया। आपका सबसे बड़ा खौफ ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हट गया, और पंचुएट द पैराग्राफ करके एक क्वेश्चन आया करता था, वो भी हटा दिया गया। इससे भारी बदलाव आएंगे आपकी पेपर मार्किंग स्कीम में, पेपर पैटर्न में नहीं। देखिए पेपर पैटर्न क्या होता है, सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शन है और 5 सेक्शन 20-20 मार्क के रहेंगे, तो पेपर पैटर्न तो वही है, वेटेज वही है, मार्किंग स्कीम डिफर करेगी। कुछ टॉपिक्स के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे और कुछ टॉपिक्स के मार्क्स घटा दिए जाएंगे। नाउ टॉपिक्स टू बी टॉपिक्स कैप्ट इन सिलेबस फॉर राइटिंग स्किल्स, आइए राइटिंग स्किल्स में आपके पास क्या बचा, राइटिंग स्किल्स में आपके पास क्या बच गया, डेटा एनालिसिस है, ईमेल राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, रिपोर्ट, आर्टिकल, जॉब एप्लीकेशन, इससे एंड स्पीच, क्या हटा दिया गया, डिफिकल्ट टॉपिक था पैराफ्रेजिंग द पोम, वो हटा दिया गया है। लेकिन आपका भारी नुकसान किया गया है, 10 मार्क के आते थे कॉम्प्रिहेंशन, वो हटा दिए गए। तो ये एक थोड़ा सा आपको जो कंफर्ट मिला करता था वो हट जाएगा बेटा, कॉम्प्रिहेंशन अब पेपर में नहीं आएंगे, नोटिस राइटिंग अब सिलेबस में नहीं है और नोट मेकिंग ये सिलेबस में नहीं। तो ग्रामर के टॉपिक्स और राइटिंग स्किल्स के टॉपिक ये आपके लिए मैंने, डोंट वरी अबाउट कॉपिंग दीज थिंग्स, मैं पीडीएफ आप सबको फॉरवर्ड कर ही दूंगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से इसके निकाले। पहला,
This modification of syllabus will be applicable for the year, for this year only, 2020 only. That's it. All the units of poetry section are part of the syllabus. Poetry section में से कुछ भी remove नहीं हुआ है. आपकी जो poems हैं वो वही की वही है. The paper pattern will remain the same. The internal marking scheme of sections may be updated as per requirement. यानी अगर say for example section A 20 mark का है, तो वो 20 mark का ही रहेगा. लेकिन उसके अंदर क्योंकि कुछ topic रखे गए हैं, कुछ topic हटाए गए हैं, तो सिंपल एग्जांपल दे दू, सेक्शन सी ग्रामर. अब उसमें idioms, punctuate the paragraph, rectification of error, ये सारी चीजें थी. कुछ रहेगा कुछ हटेगा. जैसे punctuate the paragraph नहीं है तो उसके मार्क्स कहीं और अकोमोडेट होंगे. ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसकी जगह पर डिग्री वॉइस ऐसे टॉपिक ले लेंगे. समझे बेटा? इवन ऐसा भी हो सकता है कि एरर करेक्शन 4 मार्क के बजाय 5 मार्क का कर दिया जाए, रिपोर्टेड स्पीच 5 मार्क का कर दिया जाए, डू एज डायरेक्टेड को 5 मार्क का बना दिया जाए, idioms 5 मार्क के कर दिए जाए. एक और चीज जो आप इस चीज में मिस कर रहे होंगे कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच का कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है. मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा, पहली चीज, फिगर्स ऑफ स्पीच ग्रामर का हिस्सा कभी नहीं होता. ये मिथ है कि फिगर्स ऑफ स्पीच ग्रामर का हिस्सा है, नहीं, वो लिटरेचर का हिस्सा. यानी आपकी पोएट्री इंटैक्ट है तो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच भी इंटैक्ट है, वो आएंगे ही. आपको इस सिलेबस में कहीं पर भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं दिखा है लेकिन वो पोएट्री सेक्शन में है, उसको हटाया ही नहीं गया है, तो मैं उसके अंदर मॉडिफिकेशंस के बारे में क्यों बात करूं? फिगर्स ऑफ स्पीच एज इट इज सिलेबस का हिस्सा बना हुआ है. ठीक है बेटा, आप सब लोग इस पीडीएफ को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा. ये पीडीएफ मैं आप सबको थोड़ी देर में भेज रहा हूं. ओके, उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी. ठीक है.